हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू पूजाज आर्ट क्रिएशन। नाउ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको कलर के शेड्स बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि आप कोई भी वाटर कलर या फिर पोस्टर कलर लेंगे, तो वैसे तो दोनों मिलते हैं, 12 कलर के भी, 6 शेड्स के भी। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप 12 कलर वाला बॉक्स भी खरीदते हैं, 12 शेड्स वाला बॉक्स भी खरीदते हैं, तो उसमें से कलर ख़त्म हो जाते हैं। तो नाउ मैं 6 शेड्स के बॉक्स के थ्रू, 6 शेड्स के कलर के थ्रू आपको पूरे 12 कलर्स बनाना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि बिगनर्स के लिए है। वैसे तो सभी देख सकते हैं, बट मेनली ये चीज़ बिगनर्स के लिए है। सो लेट स्टार्ट। इसमें 6 कलर्स है, ये देखिए, येलो है, रेड है, डार्क ब्लू या इंडिगो बोल सकते हैं, डार्क ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है, एंड इसमें एक इस तरह का पिकर भी दिया हुआ है। इस पिकर के हेल्प से आप कलर्स को पिक कर सकते हैं, या फिर कलर का ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है तो आप कलर को मिक्स भी कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको इसका यूज़ करके नहीं दिखा रही हूँ, अभी बस मैं इन कलर्स के यूज़ से ही आपको कलर्स बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने उस कलर्स के लिए इस वाले स्केच पेन का यूज़ किया है आपको सिर्फ बताने के लिए, अभी मिक्स करके नहीं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, उन 6 शेड्स से ये 12 शेड की बनाई है मैंने। यहाँ आप नीचे गिन भी सकते हैं। एक एक्स्ट्रा कलर भी है जो कि ये वॉयलेट है, 13 कह सकते हैं आप इसको। जैसे कि फर्स्ट है रेड, रेड में अगर आप येलो कलर मिलाते हैं तो वो ऑरेंज बनता है, रेड में अगर आप वाइट कलर मिला देते हैं तो वो पिंक बनता है, रेड में अगर आप ब्लू कलर मिला देते हैं तो वो पर्पल बन जाएगा, और अगर पर्पल में आप वाइट कलर मिलाते हैं तो वो वॉयलेट बन जाएगा, बट अगर आप रेड में ज़्यादा मात्रा में ब्लू कलर मिला देंगे तो वो ब्लैक कलर बन जाता है। उसी तरह आप डार्क ब्लू के अंदर वाइट कलर मिलाएंगे तो वो लाइट ब्लू या स्काई ब्लू भी बनेगा, डार्क ग्रीन में आप येलो कलर मिलाएंगे तो वो लाइट ग्रीन बनेगा, ब्लैक में अगर आप वाइट मिलाएंगे तो वो ग्रे कलर बन जाएगा। एंड देन ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं जो कलर बनाए उसे केवल कर ही सकते हैं, आप अगर इस तरह के बॉक्स का या कोई भी पेंट कलर का यूज़ कर रहे हैं तो आप कलर्स को ज़्यादा मात्रा में बना के दूसरे और एम्प्टी बॉक्स में, खाली बॉक्स में स्टोर भी करके रख सकते हैं, नहीं तो मिक्स कलर से भी, जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर बताया है, ऑरेंज कलर बनाने के बाद आप इस ऑरेंज कलर से और भी कोई और कलर बना सकते हैं। जैसे कि आप ऑरेंज कलर में ब्लैक कलर मिलाएंगे तो वो ब्राउन कलर बन जाएगा। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ इन 6 शेड्स की मदद से ही पूरे के पूरे 12 शेड्स सिखा दिए हैं। आप इसे कोई भी पेंटिंग कलर, वाटर कलर, पोस्टर कलर में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट के पर्पस से ही ये स्केच पेन के थ्रू करके आपको दिखाया है, क्योंकि अगर आप मेरी इस कलर की मिक्सिंग वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, बट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आप कभी भी अपने पूरे कलरिंग लाइफ में हेल्प करेगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड एक्स्ट्रा कलर 13। यहाँ पे मैं वॉयलेट कलर नहीं था स्केच में, इसलिए मैंने इसे वॉयलेट लिख दिया है, तो आप इसे 12 या 13 भी बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा। तो आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आई होप कि आपको ये मेरी जो भी वीडियो है, जो भी मैंने बताया है, वो हेल्पफुल लगा होगा। बाय।